हम सबके मन में ना हमेशा ब्रेकफास्ट बनाने के लिए लगता है ना कुछ बड़ा इजी सा हो, जल्दी से बन जाए और पेट भर जाए। तो चलो बनाते हैं बहुत ही इजी रेसिपी। इसके लिए क्या करना है ना, आपको ब्रेड लेनी है, उसे तोड़ मरोड़ के मिक्सर में डाल देना है और इसे पीस लेना है। जब ये पीस के निकल के आएगी तो कुछ ऐसी दिखाई देगी, मतलब ब्रेड क्रम्स दिखाई देंगे। तो आप सोचो कि बड़ा कुछ ऑयली होगा, नहीं यार, बड़ी मस्त रेसिपी है। तो करना ये है कि तेल डालना है, उसके बाद उसमें डालनी है राई। और भाई राई को ना बड़ी सावधानी से डालना है क्योंकि वो एक्साइटेड बहुत जल्दी हो जाती है। उसके बाद करी पत्ता डालना है और साथ ही साथ हमें डाल देना है हरी मिर्ची बारीक कटी हुई। उसके बाद बारीक कटा हुआ प्याज। अब इन सब चीज़ों को ना हम अच्छे से पकाएंगे, अच्छे से भूनेंगे। तो अब कुछ कुछ लग रहा होगा कि हाँ कुछ बन रहा है ना मज़ेदार। अरे बहुत मज़ेदार है। इसको अच्छे से भूनने के बाद ना आपको डालना है इसमें धनिया का पाउडर और साथ में हल्दी डालनी है और थोड़ा सा नमक डालना है प्याज में। अब उसके बाद ना फिर से इसे अच्छे से पूरा भून भून लेना है। और अब बारी आती है हमारे वो प्यारे प्यारे ब्रेड क्रम्स की, उसको भी हमें इसमें डाल लेना है और अच्छे से मिला लेना है। अब क्या करेंगे ना, इसको अभी जब हम स्टार्टिंग में मिलाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, कम से कम 5-7 मिनट तक ना इसे कॉन्टिन्यूसली मिलाना है। और उसके बाद आप देखोगे कि धीमे 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 ये अच्छे से मिलने लग गया है सबसे। और उसके बाद ना नमकीन में जो मूंगफलियाँ पड़ी होती हैं ना, मतलब मुझे तो पसंद नहीं होती हैं वो, मतलब मैं उसे निकाल लेती हूँ अलग अलग, और उसके बाद वही मूंगफलियाँ ना मैं इसमें डाल दूँगी और साथ में थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा नमक, और अब इसे अच्छे से मिला लो। और उसके बाद पता ही क्या बना है, ये बन गया है ब्रेड उपमा। और ये सच में बहुत टेस्टी है, कभी ट्राई ज़रूर करना।